मेरा गिरि गोवर्धन धार मन का हो संगीत मधुर तो वह मनमोहन मुरली वादन नीरस जीवन भी क्या जीवन महारास रस नर्तन गायन लेकिन ये मेरे जीवन की बस किशोर वय तक की घटना लेकिन ये मेरे जीवन की बस किशोर वय तक की रचना भुला दिया क्यों चक्र सुदर्शन पल पल संघर्षों की घटना भुला दिया वह चक्र सुदर्शन पल पल संघर्षों की घटना मुझको तुम ही कथावाचकों बचपन तक सीमित करते हो छलियाओं का छलिया मैं हूँ लेकिन तुम मुझको छलते हो मैं छलियाओं का छलिया हूँ लेकिन तुम मुझको छलते हो जहाँ धर्म रथ वहाँ विजय पथ मैंने यह निज वचन निभाया महाभारत में तभी पार्थि रथ अपने हाथों स्वयं चलाया हुआ मनोमूर्छित अर्जुन तो रण में गीता ज्ञान सुनाया हर निराश मन उत्थापन का वह प्रवचन सबको मन भाया आज क्या उल्टा हो रहा है आज जरा तुर मरण मुखी के अभिमुख तुम गीता पढ़ते हो मैं हूँ छलिया मुँह का छलिया लेकिन तुम मुझको छलते हो लेकिन तुम मुझको छलते हो। एक विषय यहाँ बहुत उठाया गया कि एक तरफ हिंदू राष्ट्र की बात होती है लेकिन दूसरी तरफ जो हिंदू राष्ट्र की मूल जड़ है वो कहते हैं हम हिंदू नहीं है। बड़ी विडंबना की बात हुई है। सबरी के वंशज और तो कोई कहे जो कहे लेकिन सबरी के वंशज ऐसा कह रहे हैं बड़ा कष्ट का विषय। इसी विषय को गीत के माध्यम से छंद सिंधु की बगावत में दुर्भाग्य ये कि राजस्थान से हमारे वनवासी बंधु MP बने और बनते ही बाप पार्टी से बने और संसद से बाहर आकर के पहला भाषण दिया कि हम हिंदू नहीं है। उधर दक्षिण से आवाज हो रही है इन्हीं विषय को लेकर के सिंधु की बगावत में इस विषय का उत्तर हमारे वर्तमान शिक्षा मंत्री मदन जी दिलावर ने दिया था लेकिन समाज उल्टा पीछे पड़ गया उनको माफी मांगने तक को मजबूर कर दिया। उन्होंने भी उत्तर जो है उनको क्या उत्तर क्या होना चाहिए था मैंने इसका प्रयास किया मतलब क्या उत्तर दिया जाए सिंधु की बगावत में उछले हैं जल बिंदु छल पल पराया है भेद खुल जाएगा सृष्टि के प्रभाव से ही हिंदू तो सनातन है बोल तेरा हिंदू मूल कैसे मिट जाएगा बहु तेरे मायाचर आए गए हुए यहाँ तेरे माया रथ का चक्र थम जाएगा कितने कुचक्र रचो आखिर घटेंगे सब सबरी के भैरों का निस्वाद घटा पाएगा सबरी के भैरों का निस्वाद घटा पाएगा वनवासी जितने भी राम की धरोहर है भाव भरी भेंट कथा किसकी सुनाएगा निषाद राज सबरी के वंशज कहें कि हम हिंदू नहीं है तो उनके पास बचेगा ही क्या वनवासी जितने भी राम की धरोहर है भाव भरी भेंट कथा किसकी सुनाएगा वनवास अवधि में राम के निवास हेतु घास पात बांध कौन कुटिया बनाएगा राम को मनाने जब आएंगे भरत भाई कौन कंद मूल फल कहार भर लाएगा
सबरी की भाव भक्ति शक्ति है सनातन की, सबरी की भाव भक्ति शक्ति है सनातन की, बेरों का मधुर स्वाद तू घटा पाएगा, बेरों का मधुर स्वाद तू घटा पाएगा, किसी दशमुख बल मत तू कुपंथ चल, कंचन कुरंग छल चल नहीं पाएगा, काल नेमियों से मिल माया जो रचितो फिर, तू निषाद राज सभा बीच कैसे जाएगा, जीवन की होगी शाम जाएगा परम धाम, राणा पूजा को फिर तू मुख क्या दिखाएगा, पद मद ये कद तेरा घट जाएगा भले ही, सबरी के बेरों का स्वाद घटा पाएगा, सबरी के बेरों का स्वाद घटा पाएगा। अंतिम बंद है। मूल चिन्ह तरु कभी देखे नहीं हरे भरे, मूल चिन्ह तरु कभी होते न हरे भरे, सूख सूख एक दिन ठूंठ रह जाएगा, अपनी सरिता में मिलाया हलाहल तो दिन नहीं दूर तू ही प्यासा मर जाएगा, वनवासी बंधुओं के उन्नयन स्वर में तो, वनवासी बंधुओं के उत्थापन स्वर में तो, स्वर हमारा भी तेरे साथ सद जाएगा, शकुनी के पास चाहे कितने ही फेंको पर, शकुनी के पास चाहे कितने ही फेंको पर, सबरी के बेरों का स्वाद घटा पाएगा, सिंधु की बगावत में, सिंधु की बगावत में उछले हैं जल बिंदु, छल बल पराया भेद खुल जाए।